हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। एंड आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वन ह्यूमन आर्किटेक्चर बेटा। ठीक है, सो लेट मी गिव यू अ जस्ट क्विक रीकैप दैट व्हाट वी हैव स्टडीड इन दीज टू चैप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी किक ऑफ विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की वी हैव सीन द मल्टीपल फंक्शनैलिटीज लाइक फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसिस दैट योर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यू, लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, वॉइस इंटरफेस एंड सो ऑन। देन वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी डिस्कस द मल्टीपल फीचर्स दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस, like file management, device management, memory management and security management. After that we kick off with the von Neumann architecture, and I told you that this is one of the most important architecture in the modern computer sciences, and this is the model for the motherboard. Aapke motherboard ka model hota hai ye aapka, and with the help of this model aap log sari cheezon ko apni observe karte hain, like aapka jitni bhi development hoti hai, jitni bhi instruction ki execution hoti hai वो इसी मॉडल के ऊपर होती है आपकी। ठीक है, वी डिस्कस दैट देयर आर रजिस्टर्स, सीपीयू, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स इन दिस मॉडल, लाइक स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड सम जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इन स्पेशल पर्पस वी हैव सीन दैट वी आर हैविंग प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, current instruction registers and so on. After that we talk about the program counter, the definition for every register. Aur fir hum logon ne yahan pe buses ka flow bhi dekha tha, and I told you that is saal ke liye aapke diagram bahut important hai, that you should know the flow of the buses between the different components of a computer. Theek hai, maine aap logo ko bataya tha simple, aap logo ko bas sirf you need to remember the address bus, ki address bus jo hai baaki sari buses kya hai, bidirectional hai. सिर्फ एड्रेस बस जो है वो सीपीयू से इंस्ट्रक्शन लेती है और बाकी आपकी डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट करती है। तो भाई ये छोटी छोटी बातें थी दैट आई टोल्ड यू दैट यू शुड रिमेम्बर द स्टफ। देन वी डिस्कस अबाउट द मॉडल डायग्राम दैट हाउ वन ह्यूमन आर्किटेक्चर वर्क, द रोल ऑफ इंटरप्ट्स इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल, हाउ इंटरप्ट्स प्ले देयर रोल व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस। एंड After that, we have discussed about the buffers, why we need buffers, and अगर आपके पास buffers के अलावा कोई भी आपको process execute करनी है, so how we are going to execute that process? और I think we are good. हम लोगों ने इसको अंदर multiple चीजें देखी थी यहाँ पे इस chapter के अंदर. So without wasting any time class, we are going to kick off with the fast track question, the expected question that might come this year 2021. ठीक है? So let's see. I have shared the unsolved copy with you all on your WhatsApp group. अच्छा जी, question number one class. You can see 10 marks का question है आपके पास ये. Examiner is awarding you 10 marks. और वो बोल रहा है class match the following. ठीक है, सबसे पहली statement क्या मैंने यहाँ पे पढ़ी, manages execution of instructions. तो class आपके पास कौन manage करता है आपकी execution of the instructions, you should know that this is your control unit that manages the execution of the instructions. After this class we are having the next one, carries out arithmetic operations like addition, multiplication. So, anyone, कोई बच्चा अगर मुझे मैक्सर के ऊपर लिख के बताया आंसर, द राइट आंसर इज ऑफकोर्स शिफा ऑन स्पॉट। शिफा ने क्लास में बताया कि सर दिस कैन बी ALU. सो ALU क्लास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द यूनिट दैट परफॉर्म्स द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट स्टफ इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बता रहे क्लास फेचेस
each instruction in turn. तो क्लास आपके इंस्ट्रक्शन का जो फेच करना होता है ना वो रैम करती है ना वो रोम करती है ना वो एएलयू करता है, तो बचा क्या? सो बेटा आपके इंस्ट्रक्शन को फेच करता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है. एंड मूविंग फॉरवर्ड, मुस्तफा मूसा निकला बड़ा कंट्रोल यूनिट, उन्होंने गलती से ए कर दिया. खैर अब आगे बता रहे क्लास स्टोर प्रोग्राम्स इन करंट यूज. तो फॉर एग्जाम्पल क्या अभी मेरे पास करंट यूज में क्या चल रहा है? नोटेबिलिटी चल रहा है, जूम चल रहा है, वन नोट चल रहा है, तो ये कहां पे स्टोर है? ये क्लास ये सारे प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं आपकी रैम के अंदर. ये सारे प्रोग्राम्स कहां पे स्टोर होते हैं? आपकी रैम के अंदर. आगे बता रहे क्लास कैरीज आउट बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, लाइक बिट्स को शिफ्ट करना. तो क्लास अगेन बिट शिफ्टिंग क्लास ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय योर एएलयू, ठीक है. आगे बता रहे क्लास स्टोर्स बूटस्ट्रैप लोडर. तो क्लास बूटस्ट्रैप आर द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके पास, आई हैव डिस्कस बिफोर, एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इन रैम. तो रैम में क्ला आपके लोड करने के फ्रॉम हार्ड डिस्क लोड करने के लिए क्ला यूज किए जाते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं आपकी रोम के अंदर, ठीक है. फर्दर बता रहे क्ला कैरीड आउट ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट. तो अगेन योर एएलयू विल बी इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. आगे बता रहे क्ला इश्यूज टाइमिंग सिग्नल्स. सो टाइमिंग सिग्नल्स क्लास आर जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट. आगे बता रहे क्ला स्टोर्स द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली इन यूज, इन करंट यूज. सो आपका क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन स्टोर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास स्टोर करता है आपका रैम, ठीक है. स्टोर्स डेटा इन करंट यूज, तो क्लास दैट इज ऑल्सो योर रैम. तो सारे काम क्लास जो भी आपके करंट एग्जीक्यूशन चल रही होती है वो सारे काम कौन परफॉर्म कर रहा होता है? आपकी रैम के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है. तो क्लास अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगता है क्लास ये मेरे मुझे बहुत ज्यादा. ये थोड़ा पुराने पिछले साल का क्वेश्चन, सॉरी पिछले वेरियंट का क्वेश्चन है ये, आई थिंक 2009 के अंदर क्लास ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम के अंदर, काफी पुराना क्वेश्चन है. तो ये आप लोग के पास पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने काफी प्रीवियस पास पेपर से पिक किया है. सो आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन. आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी. आगे क्लास थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पे. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, एग्जामिनर क्लास आपसे सवाल कर रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बफर. सो आई थिंक क्लास आप सबको पता है बफर के डेफिनेशन, बफर्स क्या होते हैं. टेम्पररी स्टोरेज एरियाज used to compensate the speed mismatch between input output devices and CPU. तो मेन पॉइंट क्लास आप लोगों को जो नंबर मिलेंगे यहाँ पे, नंबर मिलते हैं आप लोगों को क्लास ये दो स्टेटमेंट की वजह से. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टेम्पररी स्टोरेज की वजह से आपको नंबर मिलेंगे. सेकंड क्लास टू कॉम्पनसेट स्पीड मिसमैच बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड CPU. दीज आर द मेजर पॉइंट्स दैट वी शुड नो ओवर हियर. ओके वी हैव अ क्वेश्चन. सर बफर के साथ कूलिंग का डिफरेंस भी आता है, बट इट्स नोवेयर मेंशन इन द बुक. तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखवा दें. कूलिंग, अशफा बेटा अगर आप अपनी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगी तो मैंने कूलिंग कहीं ना कहीं लिखवाया है जरूर. आई रिमेम्बर मैंने कूलिंग, ये रहा कूलिंग मैंने बिल्कुल लिखवाया है. आप जो रेगुलर लेक्चर्स है उनको गो थ्रू करेंगी तो आपको वहां पे कूलिंग की डेफिनेशन बिल्कुल मिलेगी.
CPU constantly check for signals from input output devices. The process is called pooling. आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे एग्जामिनर इंटरप्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन इंटरप्ट. तो यहाँ पे क्या मैं इंटरप्ट भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. मैंने कहा यहाँ पे इंटरप्ट एक्सप्लेन करे दे आर द सिग्नल्स जनरेटेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टू स्टॉप द प्रोसेस of the microprocessor for a certain period of time. ठीक है, a perfect definition class for interrupts. ये आपकी बुक से मैंने definition pick की हुई है. These are the signals. And who generate these signals? Either they are generated from software or they are generated from hardware. And करते क्या है? Stop कर देते हैं class ये process किसकी? Of the microprocessor for a certain period of time. ठीक है? Let's move forward. अभी बता रहे class, explain the role of buffers and interrupts when a large document over 200 pages is sent to a laser printer. ठीक है, ओके, ठीक है अब्दुल हफीज, मैंने सुन लिया आपकी बात बेटा. यहां पे अच्छा जी, अब ये बोल रहे क्लास के, अब एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि आपको एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ बफर्स एंड इंटरप्ट्स फॉर अ लार्ज डॉक्यूमेंट ओवर 200 पेजेस इज सेंड टू द लेजर प्रिंटर. तो क्लास इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है आपके पास, लेकिन अब ये क्वेश्चन जब आ गया है तो अब मैं आप लोग को लिख के दिखा रहा हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन. आप एग्जाम में किस तरह आंसर करेंगे वो वर्डिंग मैं आप लोग को लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को एग्जाम के अंदर क्लास कोई प्रॉब्लम ना हो व्हाइल यू आर गिविंग द while you are writing the stuff. ठीक है, अच्छा अभी आपके पास क्लास सिनेरियो क्या है, यू नीड टू एक्सप्लेन बफर्स एंड इंटरप्ट्स फॉर लार्ज डॉक्यूमेंट ओवर 200 पेजेस. ठीक है, टू अ लेजर प्रिंटर. द सिनेरियो कैन बी चेंज्ड, कोई भी आपके पास क्लास बफर और इंटरप्ट का क्वेश्चन आ जाए द सेम फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज बेटा. ठीक है, तो लेट्स सी. We CPU will instruct the printer to print pages. Pages will be sent to printer buffer. When printer buffers are full, printer sends a signal to CPU to stop sending further pages and printer will
print out pages in buffer when printer buffers are empty, then an interrupt signal is sent to an interrupt signal class is sent to the CPU requesting for more pages. The process is carried out until the whole document is printed. ठीक है क्लास, तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर वर्डिंग के अंदर क्लास आप लोगों को पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, एंड किस तरह आपके इंस्ट्रक्शंस आते हैं, किस तरह आपका डाटा आता है, कहाँ पे प्रिंटर रिक्वेस्ट करते हैं, ऑल दैट स्टफ। आगे बोल रहे क्लास के द यूज ऑफ टू बफर्स वुड स्पीड अप द प्रिंटिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, तो क्लास सिंपल सा आंसर है, प्रिंटर बफर कैन नाउ print more number of pages in one cycle since having two buffers. So overall printing will be done in less number of cycles. आगे बढ़े हम लोग क्लास यहां पे। अब ये क्लास अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये बोल रहा है क्लास कि आप लोग को तीन बसेस क्या करनी है इस डायग्राम के अंदर, यू नीड टू नेम थ्री बसेस ए बी सी इन द फॉलोइंग डायग्राम। ऊपर जो डायग्राम है क्लास, आप लोग को तीन बसेस क्या करनी है, यू नीड टू मेंशन द थ्री बसेस। अब देखिए क्लास, सबसे पहले मैं देखता हूं यहाँ पे, अब अपना थोड़ा सा ना आप लोग को क्या करना होता है, ब्रेन यूज करना होता है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, रजिस्टर्स एंड मेमोरी, मेन मेमोरी और क्लास रजिस्टर के साथ डील कर रही है बस सी, तो दिस विल बी ऑफ कोर्स योर डेटा बस। ये क्या होगी, आपकी डेटा बस होगी। अब मैंने चेक किया क्लास सेकंड, एंड यू कैन सी कि ये बस क्लास जो है ना आपके पास बी बस, ये डायरेक्टली क्लास रजिस्टर्स मतलब आपके प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन निकल लें और ये कहां जा रहे हैं, टूवर्ड्स मेमोरी जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन निकल के आपकी मेमोरी के पास जा रहे हैं, सो दिस विल बी योर एंड सिंगल यूनिडायरेक्शनल है, ये भी देख ले आप लोग, यूनिडायरेक्शनल है, तो दिस विल बी योर बी विल बी योर ऑफकोर्स सर एड्रेस बस। एंड द लास्ट बस क्लास आपके कंट्रोल यूनिट के साथ डील कर रही है, यू कैन सी आपके सिस्टम क्लॉक जनरेट कर रहे हैं सिग्नल्स और आपके कंट्रोल यूनिट के साथ डायरेक्टली डील कर रही है, तो दिस बस विल बी ऑफ कोर्स योर कंट्रोल बस। ठीक है, सो ये क्लास छोटी छोटी चीजें आप लोग को ये डायग्राम्स आनी चाहिए। आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे, अब ये बोल रहे हैं एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच ऑफ द स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स इन द टिपिकल प्रोसेसर्स। तो क्लास सबसे पहले आपसे बोल रहा है प्रोग्राम काउंटर, तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन करा, प्रोग्राम काउंटर यूज्ड
टू स्टोर, क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस. किसका एड्रेस? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. एंड क्लास आप लोग को एक और नाम से भी प्रोग्राम काउंटर को हम लोग कॉल करते हैं. अगर आप लोग को याद हो, मैं आप लोग को बताया भी था ये बात, वी ऑल्सो कॉल प्रोग्राम काउंटर एज सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर. ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर. मेमोरी डेटा रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. तो क्लास जो डेटा आपका करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है क्लास, वो कहां पे सेव होता है? वो सेव होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर. सीआईआर क्लास क्या करता है आपके पास? यूज्ड या एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज carried out in this register. And class the last one, memory address register. So class ye kya karte hai aapke paas? Used to store address of the current instruction of the current instruction being executed. तो क्या छोटा सा सवाल था आपके पास, आपके एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी थी कि काइंडली एक्सप्लेन कर दो मुझे प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस डेटा रजिस्टर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. तो क्या मैंने तीनों को बड़ी सिंपल वर्डिंग के अंदर क्लास क्या किया है? एक्सप्लेन कर दिया है. फॉर श्योर हफीज बेटा, बिल्कुल. अब देखिए क्लास, एक क्वेश्चन आया आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम से, और इस साल क्लास आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आप लोगों को दे सकता है. ये बोल रहे क्लास, वन मैनेजमेंट टास्क दैट इज कैरीड आउट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस. अब वो बोल रहे डिस्क्राइब टू मोर मैनेजमेंट टास्क दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म. सो अगर मैं आप लोग को लेके चलू क्लास वन नोट के पास और मैं आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर ओपन करूं, तो यू गाइस कैन सी मैंने क्लास आप लोग को यहां पे लिखवाया था अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट. मैंने क्लास आप लोग को लिखवाया था यहां पे अबाउट सिक्योरिटी फाइल मैनेजमेंट. सिक्योरिटी मैनेजमेंट ले लेते हैं, दोनों बड़े प्रॉपर आपके पास मेन है. तो आप लोग क्लास इन क्वेश्चंस के अंदर सिंपली क्या कर सकते हैं? जस्ट एक्सप्लेन द सेम स्टफ. एक क्लास आप लोग मेमोरी मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर दें, सेकंड यू कैन एक्सप्लेन द सिक्योरिटी मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये दो मैनेजमेंट क्लास आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एंड दे आर परफेक्टली फाइन. आप मेमोरी मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर दें, मेक श्योर दैट नो टू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑक्यूपाइज द सेम मेमोरी, स्टोर डाटा परमानेंटली, फेचेस डाटा फॉर एग्जीक्यूशन. ये तीनों काम क्लास किसके? मेमोरी मैनेजमेंट के. एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट के क्लास क्या क्या टास्क है? आपको यूजर अकाउंट बनाता है, मैनेज करता है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ मिलिशियस एक्टिविटीज, एंड फायरवॉल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट. आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे थोड़ा सा और अब ये क्लास एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा है स्टेट द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब क्लास एग्जामिनर पर्पस लिखे फंक्शन लिखे दोनों की बातें क्लास क्या होती है? सेम होती है. मैंने जानबूझकर आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है,
तो इन दोनों का मतलब क्लास क्या होता है आपके पास? दे बोथ मीन्स पर्पस एंड फंक्शन, दे बोथ मीन क्लास सेम। तो दोनों क्लास आपके पास सेम है। अगर एग्जाम में पर्पस पूछ रहे हैं, फंक्शन पूछ रहे हैं, क्लास दो इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो क्लास मैंने सबसे पहले ये वाला आंसर किया कि व्हाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया टू कंट्रोल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो क्लास आपका क्यों नीड होता है? द मेजर नीड इज आपका कंट्रोल करता है क्लास ये सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी, दैट इज व्हाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड। अब फंक्शनैलिटी या पर्पस की बात करें तो इसकी फंक्शनैलिटी क्लास बहुत सारी फंक्शंस हैं इसके, यूज्ड टू मैनेज रिसोर्सेस ऑफ अ कंप्यूटर provides file management, security management, security management, memory management, और भी क्लास बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक यू कैन सी ओवर हियर। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, लाइक इंटरप्ट हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो कोई भी आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स क्लास डिस्कस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बोल रहे क्लास डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल। फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर क्लास आप लोग को क्या करना है? You need to explain the role of special purpose registers in fetch execute cycle. ठीक है, तो क्लास स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स कौन कौन से? आप सबको पता है that you are having four special purpose registers. सर नाम बताएगा जरा? So PC, MAR, MDR and CIR. ये चारों क्या है आपके पास? They are special purpose रजिस्टर्स। अब आप लोग क्लास इसको फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो क्लास फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर देर आर थ्री स्टेप्स। देर आर कितने स्टेप्स होते हैं याद रखने आप लोगों ने? तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है क्लास फेच। सबसे पहले क्या होता है? फेच होता है। आपने क्लास यहां पर हेडिंग डाली फेच की और फेच को एक्सप्लेन किया कि वॉट इज एक्चुअली फेच इज। तो वॉट इज फेच क्लास? फेच आपके पास क्या होता है? The instructions are fetched from program counter and placed in memory address register where its data where data at that address is placed in memory data
रजिस्टर। तो फेच करते, आपने बताया क्या, आप लोग फेच करते हैं फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर, आप प्रोग्राम काउंटर से क्या करते हैं, डाटा को फेच करते हैं और प्लेस कर देते हैं क्लास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर एंड सो ऑन। आपने पूरी प्रोसेस यहाँ पे क्या करिए एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप लोग यहाँ पे, अब क्लास आप लोग यहाँ पे बताएंगे अबाउट द एग्जीक्यूट, या सॉरी एग्जीक्यूट पहले नहीं होगा भाई, फैच डीकोड, डीकोड तो डीकोड के अंदर क्लास क्या होता है, द इंस्ट्रक्शंस प्लेस्ड इन करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, ठीक है। सिर्फ ये काम होता है क्लास आपके पास कि आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीआईआर के अंदर उनको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड द लास्ट स्टेप क्लास इज एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट में क्लास क्या होता है, इन एग्जीक्यूट द बाइनरी इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड टू द प्रोसेसर टू प्रोसेस द कोड। तो ये तीनों स्टेप आप लोगों को पता होने चाहिए। आप यहां पे मैंने देखिए स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स का भी सबका डिस्कस कर लिया है वन बाय वन। यू कैन सी सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम काउंटर का डिस्कशन किया, देन आई डिस्कस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन आई डिस्कस मेमोरी डेटा रजिस्टर, देन आई डिस्कस करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो मैंने क्लास यहाँ पे सारे स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स की भी क्या कर ली, बात कर ली। आगे बता रहे क्लास की आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, यू जस्ट नीड टू मैच द कॉलम्स, सो यूज द स्टेटमेंट ए बी सी डी to complete the description of the fetch execute cycle and handle an interrupt. तो क्लास whenever क्लास आपके पास interrupt आ जाता है fetch execute cycle के अंदर, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने instructions को थोड़ी देर के लिए कहीं और set करते हैं, instructions को execute करते हैं और फिर आप वापस से जो आपने temporary तौर पे अपने instructions को save किया हुआ होता है आप वापस से load करवा देते हैं अपने instructions को। तो let's see, ये बता रहे क्लास at the end of the cycle or for the current instructions ए क्या होना चाहिए, द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस इज लोडेड, नो द प्रोसेसर चेक्स फॉर इफ देयर इज एन इंटरप्ट। तो क्लास सबसे पहले स्टेप क्या होता है, आपका प्रोसेसर चेक करता है कोई इंटरप्ट है या नहीं है। आगे इफ इंटरप्ट फ्लैग इज सेट, अगर इंटरप्ट होता है तो क्लास आप लोग क्या करते हैं, देन एड्रेस ऑफ द देन ए एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन is loaded in program counter. और आप लोग को पता है क्लास जिन इंस्ट्रक्शन को भी आपको एग्जीक्यूट करना होता है यू नीड टू फर्स्ट लोड दैट इनटू पीसी। आगे बता रहे क्लास, नहीं क्लास गलत हो गया, अगर आपके पास इंटरप्ट होता है तो क्लास रजिस्टर कॉन्टेंट पहले क्या किए जाते हैं, सेव किए जाते हैं डी, क्योंकि आप उसको कहीं और टेम्पररी तौर पर सेव करते हैं और फिर क्या करते हैं आप इंटरप्ट को लोड करते हैं और उसके बाद क्लास व्हेन इंटरप्ट कंप्लीटेड द प्रोसेसर रीस्टोर्स द रजिस्टर कंटेंट्स एंड द इंटरप्ट प्रोग्राम कंटिन्यूज इट्स एग्जीक्यूशन क्लास, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू शुड रिमेंबर क्लास के व्हेनेवर द रोल ऑफ इंटरप्ट्स इन फेच एग्जीक्यूट साइकिल। आगे बता रहे क्लास आप लोग को एक डायग्राम इस साल एग्जामिनर दे सकता है लाइक दिस और आपको बोलेगा कि लेबल कर दो इस डायग्राम को बेटा, क्या करो लेबल कर दो इस डायग्राम को। सो आई थिंक आई कैन लेबल क्लास मेमोरी यूनिट,
तो मेमोरी यूनिट में क्लास कौन कौन से दो रजिस्टर्स होते हैं आप लोग के पास, आप सबको पता है सर, एम डी आर एंड एम ए आर, दीज आर द टू रजिस्टर्स क्लास दैट आर प्रेजेंट इन मेमोरी यूनिट। अच्छा जी, आगे बता रहे क्लास प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के पास क्लास एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड ए एल यू। आपके प्रोसेसर के पास क्लास जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बिकॉज इट इज द यूनिट दैट इज मेकिंग द ऑल डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट स्टफ। आगे बता रहे क्लास आप लोग को यहाँ पे पीसी प्रोग्राम काउंटर, तो क्लास ये प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल होता है क्लास आप लोग का कंट्रोल यूनिट के पास, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट के पास क्लास एक रजिस्टर होता है पीसी, एंड द नेक्स्ट रजिस्टर इज सी आई आर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एंड क्लास यहां से आपके पास इंस्ट्रक्शंस जाते हैं टुवर्ड्स, यहां से आपके इंस्ट्रक्शंस क्लास क्या किए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं। एंड क्लास आप लोग के पास यहां पे यू कैन सी योर आउटपुट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ परफेक्ट। सो क्लास यहां पे आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, एंड यहां पे क्लास यू आर हैविंग योर आउटपुट डिवाइसेस। सो दिस इज क्लास द साइकिल दैट यू शुड रिमेंबर, दिस डायग्राम यू शुड रिमेंबर कि प्रोसेसर का होता है एमडीआर एमएआर सीआईआर कंट्रोल यूनिट सीआईआर इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो एक आपके पास इस तरह की डायग्राम क्या सकते हैं आपके इस साल, और आपका एग्जामिनर कैन आस्क यू टू सॉल्व दिस डायग्राम बेटा, ठीक है। And this completes class our topic over here. So, हम लोगों ने class इस topic के अंदर you can see हम लोगों ने multiple चीजें cover up करी, role of interrupts, fetch, execute, cycle. We have seen the purpose of the operating system. We have seen the management tasks. We have seen the different roles of the registers. We have seen the buses around the control unit. We have seen class the interrupts. If there is an interrupt signal, then how interrupts and buffers play their role. We have seen class the definition for the buffer and the definition for the interrupts, ठीक है। So that's it class for 2021 के लिए आपके पास ये सारे topics आपके बड़े important हैं of from the chapter that is called von Neumann architecture and operating system. Operating system and class von Neumann architecture के आपके ये दो topics बहुत important हैं, and I hope मैंने आप लोग को almost सारे questions करवा दिए इस topic के जो इस साल आ सकते हैं आपके पास बेटा, ठीक है। इसी तरह क्लास अगले सेशन के अंदर दैट इज ऑन इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे वाले दिन मैं आप लोगों को फर्दर कुछ और टॉपिक से क्वेश्चंस कराऊंगा। आई थिंक द टॉपिक दैट आई विल बी सिलेक्टिंग विल बी मेमोरी एंड ट्रांसलेटर्स, मेमोरी एंड ट्रांसलेटर्स को मैं शायद कंबाइन करके आप लोगों को करवा दूं, और आई थिंक दैट्स इट, आज को यहीं तक होल्ड करते हैं इंशाल्लाह। एंड रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन क्लास, तो एग्जेम्पशन के लिए आप लोग का नई अपडेट आ गई है कैम्ब्रिज की, दैट British Council is going to give you the exemption beta form. जो private candidates हैं उनको British Council class form available कर देगा, and British Council से मेरी बात हुई थी, वो हमेशा यही बोलते हैं कि इस week, but they have to, because आप लोग का Cambridge ने बड़ी clearly बात बता दी है कि for the private candidates British Council पाकिस्तान का नाम available है उस list के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर you are directly going to apply through British Council, and आपको एक form दिया जाएगा, and you just need to fill it. That form out and exemption आप लोग की apply हो जाएगी from paper 2 beta, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई question है तो you may ask, else we are good to end today's session, और फिर हम लोग अपना इंशाअल्लाह 105 पे start करेंगे अपना अगला session बेटा।